Hello friends, in this part we will study about the chapter number 17 in plus 2 class, biotechnology principle and processes. Biotechnology, what is biotechnology and why this process is required to the human? Biotechnology कैसी process होती है? यदि हम traditional technique से traditional method से production produce करते हैं तो इंक्रीजिंग द रेट ऑफ ह्यूमन बींग पॉपुलेशन है, उसकी रिक्वायरमेंट की फुलफिलमेंट नहीं होगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि न्यू टेक्निक प्रोड्यूस करते हैं जिसके कारण से उसके जीन अल्टर चेंज कर दिए जाएं, जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर, जिसके कारण से न्यू जनरेशन प्रोड्यूस हो, प्रोडक्शन भी हाई हो और ह्यूमन बॉडी के लिए ये मॉडिफाइड भी हो, ह्यूमन बींग के लिए ये सेहत के लिए भी अच्छी हो। इस प्रकार की प्रोसेस हम इसलिए अपनाते हैं ताकि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन जो रेट है उसकी रिक्वायरमेंट की फुलफिलमेंट भी हो जाए और हमारी प्रोडक्शन क्षमता भी ज़्यादा हो जाए, एज वेल एज इट मॉडिफाई द ह्यूमन हेल्थ। तो व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड चैप्टर नंबर 17, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। एज यू नो दैट द पॉपुलेशन ऑफ द ह्यूमन बींग इज इंक्रीजिंग डे बाई डे इन आवर कंट्री एज वेल एज ऑल द वर्ल्ड। दिस इंक्रीजिंग पॉपुलेशन रेट रिक्वायर द डेली यूजेस सब्सटेंसेस सो दैट दे कैन सर्वाइव। इफ वी प्रोड्यूस द रिक्वायरमेंट्स मटीरियल by the traditional method, the production becomes very low, so there is no fulfillment of requirement can be completed. Therefore, it is need to change these substances into the modified health, human health, and as well as it increase the production rate. What is biotechnology? In the purest form, the term biotechnology is used of living organism and their product which modified the human health. And human environment in purest form के अंदर हम ये टेक्नोलॉजी कह सकते हैं कि ये वो टेक्नोलॉजी जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लिविंग बींग्स का और उनके प्रोडक्ट का इस प्रकार से यूज किया जाए जो ह्यूमन हेल्थ के लिए मॉडिफाइड हो और ह्यूमन एनवायरनमेंट के लिए। इसी प्रकार एक फेडरेशन है ईएफबी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। दिस यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज ऑल्सो डिफाइन द टर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विद द कॉम्पेसिस इनकॉम्पेसिस ऑफ बोथ ट्रेडिशनल व्यूज एज वेल एज मॉलिकुलर फाइलोजेनिक सिस्टम्स। ईएफबी ऑल्सो given the definition of biotechnology which encompasses both the
traditional views, and molecular technology. Therefore, he defined it. Therefore, EFB define the term biotechnology as क्या? It is the integration of natural science and organism. ये natural science organism का, उनके cell का, उनके part का किसी भी वे से with molecular analogous के साथ, जिसके कारण से उनका जो product हो, उनके services हैं, वो संशोधन किया जा सके, उनका मतलब अच्छा रूप तैयार किया जा सके. तो इसके साथ से डेफिनेशन क्या है बायोटेक्नोलॉजी की? इट इज द इंटेग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट्स देयर ऑफ मोलेकुलर एनालॉगस फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेस. दिस इज द डेफिनेशन विच वॉज गिवन बाय द EFB, European Federation of Biotechnology. It means it is the integration of natural science and organism. उनके साथ उनके cell parts thereof as well as molecular analogous. इसलिए for their product and services, this integration of science and natural science and organism is called biotechnology. Next, the how many types of principle of biotechnology? There are many principles of biotechnology, but we use in this chapter. There are two principles of biotechnology. First one is synthetic material and second one is maintain a fertile condition. Application of biotechnology. There are many applications used for biotechnology. But two main applications are used in biotechnology. ऐसे काफी है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम दो प्रकार की बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड सेकेंड वन इज मेंटेनेंस ऑफ फर्टाइल कंडीशन. फर्स्ट वन इज जेनेटिक इंजीनियरिंग. And the second one is maintenance of fertile condition. What is genetic engineering? Genetic engineering it is the process in which we alter the chemistry of genetic material, means DNA or RNA ko alter change kar diya jaye
and introduce into the host cell so that their phenotypic condition can be changed. It is the process in which we alter the chemistry of genetic material. Chemistry of genetic material. Such as DNA and RNA. To introduce into the host and also change their phenotype condition of the host cell. Change the phenotype. What is phenotype? Outer look. किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देखा, दिस इज द टालर स्मॉलर, किसी भी एक्सटर्नल स्टडी जो होती है उसको देख करके बताएंगे टाल है, छोटा है, ग्रीन है, वाइट है. दिस इज कॉल्ड फिनोटाइप. फिनोटाइप कंडीशन ऑफ द होस्ट. एंड द सेकंड वन इज मेंटेनेंस ऑफ ट्रायल कंडीशन. In this process, we grow the only the eukaryotic, we grow the microbes mostly कौन से eukaryotic cell, जिसके कारण से हम new substance can be produced just like as antibiotic, enzymes, vaccines. This is the process in which growth of microbes mostly कौन से eukaryotic. Cell which is used in production of vaccines, antibiotic and enzymes which are modified to the human health. Firstly, the biotechnology process was accomplished by the Herbert Boyer and Cohen, Stanley Cohen and Herbert Boyer in 1972. Clear?